हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो कि आपकी HSSC ग्रुप डी कैंडिडेट्स वालों के लिए इन्फॉर्मेशन है, और मैं बोलूँ एक अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या न्यूज़ आई है। उससे पहले जितने भी कैंडिडेट्स पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। सो न्यूज़ क्या है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, अंतिम अवसर ख़त्म, अब ग्रुप डी के वेटिंग वालों को मिलेगा मौका। मतलब जितने भी ग्रुप डी वेटिंग वाले कैंडिडेट्स के थे उनके लिए अच्छी न्यूज़ आई है। क्या है मैं पूरा आपको पढ़ के सुनाया है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा 18,218 ग्रुप डी के पदों पर की गई भर्तियों में से कई चयनित ऐसे भी है जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं की या फिर रिज़ाइन कर दिया, जबकि दूसरी ओर 4,500 के करीब चयनित आवेदक ऐसे हैं जो वेटिंग में चल रहे हैं। आगे दिए हुए ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि विभिन्न सरकारी विभागों में उक्त वजह से ग्रुप डी के अभी भी जो पद खाली पड़े हैं उन पदों को वेटिंग चयनित आवेदकों से भर दिया जाए। इसके चलते सरकार ने सभी सरकारी विभागों के मुखिया से इस संदर्भ में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। बताते चले कि सरकार ने 74 सरकारी विभागों में 18,218 ग्रुप डी पदों के लिए भर्तियाँ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से निकाली थी। बहुत से चयनित आवेदकों ने तो इन पदों पर अपनी ज्वाइनिंग दे दी थी, लेकिन कई आवेदक ने नए तो पदों पर ज्वाइनिंग करने आए और नए ही आवेदकों ने ज्वाइनिंग के बाद रिज़ाइन भी दे दिया। इस वजह से विभिन्न सरकारी विभागों में कई पद रिक्त रह गए। सरकार के विभागों के मुखिया के माध्यम से ऐसे चयनित आवेदकों को ज्वाइनिंग का अंतिम अवसर भी दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कई पद खाली ही रहे। सरकार ने अब विभागों के मुखिया को निर्देश दिया है कि अंतिम अवसर देने के बाद भी जो आवेदक ज्वाइनिंग के लिए नहीं आए हैं उनकी नियुक्तियों को वे अपने स्तर पर ही रद्द कर दें और फाइनल स्टेटस रिपोर्ट तैयार करें। तो अब जितने भी वेटिंग वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ आने वाली है, उनके लिए अब उनको जॉब मिल जाएगी। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया या फिर ज्वाइन करके रिज़ाइन कर दिया या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, उनके पद रद्द कर देगी उनकी भर्तियाँ, और बाकी ज्वाइनिंग वेटिंग वालों को यहाँ पे गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो ये थी दोस्तों पूरी न्यूज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और जितने भी कैंडिडेट्स पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।